बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, बोलो श्री सद्गुरु महाराज की। सापड़ की इस धर्म धरा पर उपस्थित सभी धर्म प्रेमी सज्जन वृंद एवं सुंदर साहब जी, इस 3 दिवसीय ब्रह्मज्ञान महायज्ञ के अवसर पर हम सभी यहां धर्म को जानने समझने और आध्यात्मिक मार्ग में और आगे बढ़ने के लिए उपस्थित हुए हैं। अभी अभी हमने श्री प्राणनाथ कन्या गुरुकुल वडोदरा की छात्रा विदुषी भूमिका जी के मुखारविंद से मानवतन की महिमा सुनी कि मनुष्यतन श्रेष्ठ है और ऐसे श्रेष्ठ मनुष्यतन को व्यर्थ में नहीं गंवाना है। पर प्रश्न ये होता है कि मानव को श्रेष्ठ क्यों कहा गया है? क्योंकि बल की दृष्टि से देखा जाए तब भी बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जो इंसान से ज्यादा ताकतवर हैं। हाथी तो बहुत विशाल होता है, लंबाई की दृष्टि से जिराफ बहुत लंबा होता है, सौंदर्य की दृष्टि से देखा जाए तब भी सभी प्राणी सुंदर हैं। ऐसा नहीं कि केवल मनुष्य सुंदर दिखाई पड़ता है। आप खरगोश देख लीजिए, मोर देख लीजिए, किसी भी जानवर के बच्चे को देख लीजिए, सभी सुंदर होते हैं। तो ताकत की दृष्टि से देखा जाए तब भी मनुष्य श्रेष्ठ नहीं है, केवल सौंदर्य की दृष्टि से भी नहीं है। अच्छा खाता पीता है इसलिए, लेकिन यह भी कोई रीजन नहीं है, क्योंकि पेट तो हर प्राणी भर लेते हैं और कई बार तो इंसान से अच्छा अच्छा खाते हैं। मैं कई बार चर्चा में बोलता हूं ये बात कि हमें तो मार्केट से पेस्टिसाइड लगा हुआ फल लाके खाना पड़ता है, लेकिन जो चिड़िया है वो सबसे पहले जिस पेड़ में पका हुआ फल होता है वो पक्षियों को पता चलता है। हम पैकेट का दूध पीते हैं, हमें पता भी नहीं होता कि इसमें यूरिया पड़ा हुआ है कि भैंस का दूध है कि गाय का दूध है। बछड़े और बाकी सब बच्चे हमसे पहले दूध पीते हैं। तो केवल खाने पीने की वजह से भी नहीं है, और ऐसा भी नहीं कि हम परिवार में रहते हैं इसलिए हम श्रेष्ठ हैं। बहुत से पशु प्राणी हैं जो झुंड में रहा करते हैं। जेब्रा को देख लीजिए आप, हिरण के भी झुंड होते हैं। तो ये कोई भी कारण नहीं है। अब प्रश्न बीच में एक सुंदर साथ ने बोला कि बुद्धि के कारण, जवाब अच्छा था लेकिन आधा सच था। आधा सच मैं इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि रावण भी बहुत बुद्धिमान था, लादेन और दुर्योधन भी बुद्धिमान ही थे, है ना? रावण को 10 विद्या का ज्ञाता कहा जाता है, ओसामा बिन लादेन इंजीनियरिंग किया हुआ था, दुर्योधन ने वेद में ग्रेजुएशन किया था, वेद में स्नातक था वो, चोर डकैत हैकर ये सभी जो स्कैम करते हैं वो सभी भी बुद्धिमान होते हैं। लेकिन तो केवल बुद्धि भी नहीं, तो बुद्धिमान होना आधा सच है। तो इसका अब सवाल ये होता है कि जब इतने सारे कारण नकारते जा रहे हैं कि इस वजह से भी इंसान को श्रेष्ठ नहीं कहा है, उस वजह से भी नहीं कहा, तो फिर कारण क्या है? तो हमारे ऋषियों ने जवाब दिया, कहते हैं आहार निद्रा भय मैथुनम च समानमेतत् पशुभिः नराणाम् धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो धर्मेन हीना पशुभिः समानः। आहार भोजन, निद्रा मतलब शयन, डरना और वंश वृद्धि करना, बच्चे पैदा करना,
ये चारों काम इंसान भी करता है और पशु भी करते हैं। इंसान में श्रेष्ठ क्या है, इंसान में ऐसा अच्छा क्या है, तो कहते हैं धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो, धर्मे न हीना पशु भी समाना। मनुष्य में धर्म ही पशुओं से मनुष्य को मनुष्य बनाता। हमने एक श्लोक शायद कई चर्चाओं में सुना होगा, जहां तक मुझे याद है ये वाल्मीकि रामायण का प्रसंग है, जिसमें कहा है कि येषां न विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मर्त्य लोके भुवि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगा चरंती। जिसके अंदर धर्म के लक्षण नहीं है, ज्ञान नहीं है, विद्या नहीं है, तप इत्यादि गुण नहीं है, वो मनुष्य के रूप में है लेकिन उसके सींग और पूंछ नहीं है, है लेकिन दिखते नहीं है, ऐसा मैं कहता हूं। कैसे है और दिखते नहीं है, इसका मतलब क्या है? सींग भी है मनुष्य के, क्योंकि जब पशु के सींग में खुजली होती है, दाबतुल अर्ज का प्रसंग सुंदर साथ ने सुना हुआ है ना, सींग में खुजली होती है तो वो छोटे छोटे प्राणी को मारता है। जो मनुष्य धार्मिक नहीं होता वो भी क्या करता है, बल आ जाए तो कमजोर को सताता है, धन आ जाए तो गरीबों को परेशान करता है, थोड़ा बहुत ज्ञान आ जाए तो अज्ञानी व्यक्तियों पर अपना अपनी धाक जमाता है। पूंछ भी है, पूंछ से पशु क्या करते हैं, पूंछ की जो रेडियस है ना, उस क्षेत्र में वो किसी भी प्राणी को बैठने नहीं देते। जैसे मक्खी बैठे तुरंत भगाते हैं, मच्छर बैठे तुरंत भगाते हैं, हमने भी एक रेडियस, हमने भी एक बाउंड्री बना रखी है कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, इसको कोई छू नहीं सकता है, इसके कागजात मेरे पास हैं। जिसके लिए वाणी कहती है मेरी मेरी करते दुनी जात है, तो पूछ भी है, दोनों लक्षण है। अगर धर्म नहीं हो तो मनुष्य और पशु में कोई फर्क नहीं है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन कि धर्म क्या है, धर्म किसे कहते हैं? बहुत सारे लोग जो छोटे बच्चे हैं, नए बच्चे हैं, वो सोचते हैं कि हमारे पेरेंट्स हमको कहते हैं कि धर्म को जानो, धर्म को सीखो, धार्मिक बनो। सवाल ये होता है कि धार्मिक क्या है? क्या इस तरह से चंदन लगा लेना, धोती कुर्ता पहन लेना, या फिर चोटी रखना, दाढ़ी बढ़ा लेना, किसी मंदिर में रोज जाना, पूजा पाठ करना, आरती करना, क्या ये धार्मिक होने के लक्षण है? नहीं। चाणक्य कहते हैं सुखस्य मूलम धर्म, सुख का मूल धर्म है। अर्थात आप धर्म करेंगे, धर्म से जुड़ेंगे, धर्म अनुसार चलेंगे तो सुखी रहेंगे। यदि जो लक्षण मैंने बताए, तिलक, चंदन, जटा, दाढ़ी, वेशभूषा, ऐसा करना धर्म होता तो सब लोग ऐसा करते हुए सुखी हो जाते। लेकिन यहां तो दाढ़ी बढ़ाए हुए बाबा भी दुखी नजर आते हैं, पूरे शरीर में राख लपेटने वाले भी दुखी नजर आते हैं, ऐसे वस्त्र पहनने वाले भी दुखी नजर आते हैं, वैसे वस्त्र पहनने वाले भी दुखी नजर आते हैं, और वस्त्र न पहनने वाले भी दुखी नजर आते हैं। सभी मत मतांतर आ गए इसमें। इसका मतलब यह है कि कहीं कोई रॉन्ग नंबर लग रहा है, धर्म के नाम पर हम कुछ और ही कर रहे हैं। धर्म क्या है? तो मनु जी कहते हैं अपने ग्रंथ मनुस्मृति में, जिसे संपूर्ण मानव मात्र का संविधान कहा जाता है, तो उसमें धर्म के 10 लक्षण बताए हैं और कहा है कि जो इन 10 चीजों को मानता है समझते हुए वो धार्मिक है, और यदि नहीं करता है, नहीं मानता है, तो वो धार्मिक नहीं है। अब देखते हैं कि वो 10 लक्षण कौन कौन से और हमारे अंदर हैं कि नहीं, और क्या ये हिंदुओं के धर्म का लक्षण है, मुसलमानों का है, क्रिश्चियन का है, या फिर किसका है। तो धर्म के लक्षण बताते हुए कहते हैं धृति, क्षमा, दमो, अस्तेय, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धी, विद्या, सत्यम,
अक्रोध हो दशकम धर्म लक्षण। 10 धर्म के लक्षण है। ये जिसमें है वो धार्मिक है और जिसमें नहीं है वो धार्मिक नहीं है। अब इनको समझते हैं पहले कि ये 10 लक्षण कहना क्या चाहते हैं। सबसे पहला लक्षण है धृति अर्थात धैर्य। ये जो 10 लक्षण अभी मैंने बताए जिनका मैंने नाम लिया, ये लक्षण पूरे मानव मात्र के लिए, क्योंकि धर्म किसके लिए है? हिंदू के लिए नहीं, मुसलमान क्रिश्चियन। धर्म के 10 लक्षण तो सभी मानव मात्र के लिए, चाहे कोई नास्तिक ही क्यों ना हो, जिसको हम एथिस्ट कहते हैं ना, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप एथिस्ट हैं, नास्तिक हैं या फिर थीस्ट हैं, आस्तिक हैं। धर्म के 10 लक्षण सबके लिए बराबर होते हैं। कैसे, मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहला लक्षण बताया धैर्य। हम संस्कृत में धैर्य कह रहे हैं, हो सकता है गुजराती में धीरज कहते हो सकता है कि कोई मुसलमान उसे सब्र कहता हो और अंग्रेजी का जानकार उसे पेशेंस कहता हो। लेकिन इस लक्षण को कोई नकार तो नहीं सकता कि नहीं नहीं ये तो मनुस्मृति में कहा है, ये केवल हिंदुओं के लिए, ऐसा तो कोई नहीं कह सकता। धैर्य जो पहला लक्षण है ये सबके लिए अनिवार्य है। हिंदुओं में भी होगा अगर ये लक्षण तो वो व्यक्ति खुश रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, कोई विद्यार्थी है, अलग अलग सेमेस्टर में वो एग्जाम देता है। कोई मंथली टेस्ट होता है, वीकली टेस्ट होता है, मंथली टेस्ट होता है, फिर त्रैमासिक परीक्षाएं होती है, 3-3 महीने में होने वाले, फिर हाफ एनुअल होता है, फिर फाइनल एग्जाम होता है। मान लेते हैं कि एक व्यक्ति, एक विद्यार्थी वीकली टेस्ट में किसी वजह से फेल हो जाए और वो हिम्मत हार जाए कि नहीं नहीं ये पढ़ाई तो मेरे लिए नहीं बनी है, मैं पढ़ाई नहीं कर सकता, वो आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन अगर वो पेशेंस रखता है, धैर्य रखता है कि नहीं ये तो एक वीकली टेस्ट था, इससे ये जो रिजल्ट है ये मेरे कैरेक्टर को डिफाइन नहीं कर सकती, तो वो इम्प्रूव करेगा आगे, अच्छा विद्यार्थी बनेगा, अच्छा विद्यार्थी बनेगा, बाद में जाकर वो अच्छे जगह पर पहुंच सकता है। लेकिन एक वीकली टेस्ट से वो हिम्मत हार जाता है तो। और कई बार आपने देखा है, आप न्यूज में देखते हैं, न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, सोशल मीडिया में आप जानते हैं कि कोई व्यक्ति, छोटा सा बच्चा है बेचारा, 6ठी 7वीं का बच्चा है, पेपर खराब हो जाते हैं, रिजल्ट आने से पहले वो सुसाइड कर लेता है। अगर पेशेंस होता उसमें तो एक बार में नहीं तो 2 बार में पास हो जाता, 2 बार में नहीं तो 10 बार में पास होता। हरिवंश राय बच्चन कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती और लहरों से डर कर नौका। तो ये धैर्य है, सबके लिए लागू हो रहा है। मैं बिल्कुल सरल शब्द में कह रहा हूं। शास्त्रीय उदाहरण देना हो तो गीता कहती है सुखे दुखे समम कृत्वा लाभ अलाभ हो जया जयो, सुख में दुख में लाभ में हानि में जय में पराजय में मान में अपमान में जब हम सम रूप धारण करते हैं, समान रहते हैं, उसको धैर्य कहा जाता है। सुख आने पर ज्यादा घमंड नहीं करना है, फूल करके कुप्पा नहीं हो जाना है, और दुख आने पर हड़बड़ाना नहीं है। ये धर्म का पहला लक्षण है। अब इसको सुनकर के आप बताइए कि ये किसके लिए लागू होता है, किसके लिए नहीं होता है। नास्तिक व्यक्ति भी इस बात को मानेगा कि नहीं, पेशेंस तो सब में होना चाहिए, क्योंकि धर्म के लक्षण आस्तिक और नास्तिक न होकर वास्तविक है। जिनमें ये लक्षण है वो धार्मिक है। दूसरा लक्षण है क्षमा। क्षमा मतलब माफ करना, लेकिन इसको हमारे यहां की जनता ने आधा समझा और गलत समझा। क्षमा करना धर्म का लक्षण है, लेकिन किसको क्षमा किया जाए? जो अनजाने में गलती कर रहा है और
सुधारने का मौका चाहता है उसको क्षमा कर देना चाहिए। और कोई जानबूझ करके धर्म की हानि कर रहा है, राष्ट्र की हानि कर रहा है, समाज की हानि कर रहा है, उसको दंड देना भी क्षमा है। क्योंकि सही समय पर दंड देते हैं ना तो उसका जीवन सफल हो जाता है। इस्लाम के अनुयायी भी मोहम्मद साहब के विषय में एक घटना बताते हैं कि मोहम्मद साहब कहीं जाया करते थे तो एक महिला उनको बार बार कूड़ा फेंका करती थी और मोहम्मद साहब ने उनको माफ़ कर दिया था। सभी लोग इसको मानते हैं। अच्छा, कोई नास्तिक भी होगा जो इन चारों उदाहरणों को नहीं मानेगा, तब भी यदि किसी दिन उससे गलती हो गई एक्सपेक्ट तो करेगा कि मुझे माफ कर दिया जाए। तो ये लक्षण भी सबके लिए लागू हो रहा है। इसी तरह से तीसरा लक्षण है इंद्रियों का दमन। दमन का मतलब क्या होता है? रोकना। इंद्रियों को क्यों रोकना? इंद्रियां एक तरह की ऊर्जा है, एनर्जी है, और हमारी जो इंद्रियां है उनकी ऊर्जा अलग अलग दिशाओं में बटी हुई है। आंख, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा अलग अलग विषयों को चाहती है। उन विषयों के वश में होकर मनुष्य पाप करता है। मनुष्य पाप कब करता है? इन्हीं इंद्रियों के वश में होकर के। इसके अलावा और कोई कारण ही नहीं है मनुष्य के पाप करने का। जैसे किसी प्राणी को मार करके खाता है जीवा के वश में होकर, और क्या क्या पाप करता है आप कोई भी पाप सोच लीजिए, वो किसी न किसी इन पांचों में से किसी न किसी इंद्रिय से जुड़ी होगी। चोरी करेगा तो क्यों करेगा? वो चाहेगा ना कि मैं लग्जरियस लाइफ जीऊं, मेरे लाइफ स्टाइल में सुधार हो। और लाइफ स्टाइल, लग्जरियस लाइफ का मतलब क्या होता है? वो भी इन्हीं चीजों से जुड़ी हुई है। कोई व्यक्ति भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है तो क्यों डूबा हुआ है? इन्हीं इंद्रियों के विषयों के वशीभूत होकर के, शब्द स्पर्श रूप रस गंध के वशीभूत होकर के। तो उन इंद्रियों को पाप कर्मों में जाने से रोकना, विषयों में जाने से रोकना दमन कहलाता है। ये भी सबके लिए समान लागू होता है, सबके लिए। अब मैं एक एक चीज में पांच पांच अलग अलग प्रकार के उदाहरण देने लग जाऊं तो इतना तो समय मुझे दिया भी नहीं है, तो इसलिए मैंने कुछ कुछ उदाहरण दिए, आगे भी दूंगा। तो आप बस इतना समझ के चलिए, इतना मान के चलिए कि धर्म के जो लक्षण है वो सबके लिए लागू होते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि पाप कर्मों के कराने का जो मूल है ये इंद्रियां हैं। आप इन 10 लक्षणों को चाहे देख लीजिए, कते परंपरा में ईसाई मत और इस्लाम दोनों आते हैं, उनमें 10 धर्मादेशों का वर्णन आता है। जैसे हम 10 धर्म के लक्षणों की बात करते हैं ना, देयर आर 10 कमांडमेंट्स, मूसा पैगंबर के द्वारा दिए गए 10 धर्मादेश हैं। उनमें भी इंद्रियों को नियंत्रण में रखने की बात की गई है, और स्वयं को पवित्र रखने की, और साथ में 7वें दिन को याद करते हुए पवित्र रहने की बात की है। और यदि किसी नास्तिक व्यक्ति के लिए समझाना हो कि इंद्रियों को वश में रखना इसलिए आवश्यक है क्योंकि यदि आप बहुत अधिक भोग में डूब जाएंगे तो शरीर बीमारियों का घर बन जाएगा। कोई व्यक्ति डायबिटिक पेशेंट होता है तो मीठा खाने के लिए मना करना पड़ता है कि नहीं? कोई व्यक्ति किसी जिसके अंदर कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा बढ़ जाए, आप परमात्मा को मानो ना मानो लेकिन तला हुआ तो बंद करना ही पड़ेगा, ठीक है? किसी व्यक्ति को कोई बीमारी लग जाती है तो अत्यधिक भोग शारीरिक कष्ट का भी कारण है, इसीलिए भी इंद्रियों को वश में करना पड़ता है। और आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो इन इंद्रियों की ऊर्जा को बहिर्मुखी होने से रोककर अंतर्मुखी होना और परमात्मा के ध्यान में लगाना धारणा कहलाता है। इसीलिए इंद्रियों का दमन आवश्यक है। तो ये धर्म का तीसरा लक्षण है। चौथा लक्षण है अस्तेय। अस्तेय मतलब चोरी न करना। सभी मानेंगे इसको,
कोई मुसलमान ये तो नहीं कहेगा कि नहीं नहीं ये तो हिंदुओं के धर्म का लक्षण है, मुसलमानों को तो चोर होना चाहिए, नहीं कहेंगे। कोई ईसाई भी नहीं कहेगा, सभी मानेंगे इस बात को। और दुनिया में वर्तमान दृष्टि से देखा जाए, यदि वर्तमान जनसंख्या 8 अरब की मानी जाए तो नास्तिकों की जनसंख्या 13% है, 13%, 13% जनसंख्या। इसका मतलब 8 अरब की जनसंख्या में 13% का मतलब होता है 1 अरब 40 करोड़, जो कुल इंडिया की जनसंख्या के बराबर है। इतने लोग नास्तिक हैं, लेकिन उनमें से कोई भी ये नहीं कहेगा कि चोरी करना अच्छी बात है, सभी मानेंगे इस बात को। अस्तेय किसे कहते हैं? चोरी करने का मतलब है मन, वचन और कर्म, तीनों प्रकार से चोरी होती है ना। सामान्य रूप से इंसान क्या सोचता है कि कोई सामान कहीं पड़ा हुआ है चुपचाप लेकर के चले गए, वो चोरी है? नहीं, सिर्फ इतनी बात चोरी नहीं है। यदि आप घर में बिजली का मीटर नहीं लगाते और पास में से गुजरती हुई तार में से हुक डाल करके बिजली चुरा रहे हैं तो वो भी चोरी है। पड़ोसी की सब्जी के खेत में से जाकर के चुपचाप 2-4 बैंगन उठा के लेके आते हैं तो वो भी चोरी है। टैक्स यदि आप गवर्नमेंट का सही समय पर नहीं चुका रहे हैं या फिर चुका ही नहीं रहे तो वो भी चोरी है। विभिन्न प्रकार की चोरियां होती है ना। आप झूठ बोल रहे हैं तो वो वचन की चोरी है। तो अनेक प्रकार की चोरियां होती है। इसलिए हमारे ऋषियों ने क्या कहा, मनसा वाचा कर्मणा परद्रव्येषु निष्प्रिय अस्तेयम इति संप्रुक्तम ऋषि भी तत्वदर्शी भी। और दर्शनकार कहते हैं, शास्त्रकार, कि यदि कोई मन वचन और कर्म से किसी भी प्रकार की चोरी नहीं करता तो उसको हर प्रकार के रत्न की प्राप्ति होती है, हर प्रकार के संपदा की प्राप्ति होती है। अस्तेय प्रतिष्ठायाम सर्व रत्न उपस्थानम। आज हमारा देश गरीब क्यों है, दुखी क्यों है? अच्छा, आप नोटिस करेंगे कि जितने इस दुनिया के नक्शे में जितने देश हैं जिनमें ज्यादा गरीबी है, वहां के लोग उतने ही भ्रष्ट होंगे। जो देश गरीबी में जितने नंबर पर होता है, जितना आगे होता है गरीबी के मामले में, वो देश भ्रष्टाचार के मामले में भी उतना ही आगे होता है। इसलिए गरीबी है। और यहां हर कोई किसी न किसी प्रकार से चोरी कर रहा है। एक बार एक राजा ने ये नियम बना दिया था कि यदि कोई व्यक्ति चोरी करेगा, पकड़े जाने पे उसको मृत्यु दंड दिया जाएगा। अब कहते हैं चोर चोरी से जाए पर हेरा फेरी से ना जाए। तो एक ने सोचा कि मैं पकड़ा नहीं जाऊंगा, उसने चोरी की, पकड़ा गया तो उसको फांसी की सजा हुई। लेकिन अंतिम इच्छा पूछी गई तो उसने कहा कि बचने के लिए एक उपाय करके देख लेता हूं। उसने कहा मुझे राजा को एक जरूरी बात बतानी है मरने से पहले। राजा तक ये बात पहुंचाई गई कि वो चोर आपसे मिलना चाहता है, मरने से पहले बात करना चाहता है। राजा ने कहा कि अच्छा ठीक है, मिलवा दो। राजा के पास दरबार में आकर के कहता है कि महाराज, एक सिद्ध बाबा जंगल में थे, वो मर रहे थे, मरते मरते मैंने उन्हें पानी पिलाई थी और इस वजह से उन्होंने मुझे एक बात बताई थी। उन्होंने मुझे एक थैला दिया था छोटा सा, उसमें सोना फलने वाले बीज थे, सोने के बीज, और यदि उसे कोई भी बो देता उसमें से सोना फलता, गोल्ड, आलू से सोना नहीं है। लेकिन उसकी सिर्फ एक शर्त है कि ऐसे व्यक्ति से उसकी खेती करवानी है, उसकी बुआई करानी है जिसने कभी जीवन में चोरी ना किया हो, बस ये शर्त है। तो राजा ने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, मेरे देश में तो मैंने चोरी पर प्रतिबंध लगा रखा है, कोई चोरी करता ही नहीं है। तो सैनिकों को कहा राजा ने कि चलो इस बात की जांच की जाए कि सच बोल रहे हैं, ये चोर सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। राजा ने सैनिकों को कहा, अपने द्वारपालों को, कि चलो खुदाई करो और इसको छिड़क दो। अब सैनिक डर गए कि पोल खुल गई, क्योंकि वो मना करते तो किस बेस पर मना करते,
अब तो सच सामने आ जाएगा। और उन सैनिकों ने सोचा कि अगर हम इसको छिड़कते हैं और नहीं आएगा तब भी पकड़ा जाएगा, इसलिए बता देना ही सही है। तो कहते महाराज, हम सीधे कहीं चोरी करने तो नहीं जाते, पर कोई आपसे मिलना चाहता है तो हम थोड़ा चाय पानी का खर्चा लेकर के ही आपसे मिलने देते हैं, वरना नहीं देते। सरकारी काम ऐसा ही होता है ना। तो अब राजा को गुस्सा तो आया एक बार को, लेकिन फिर सोचा अच्छा कोई बात नहीं। उन्होंने अपने खजांची को कहा कि अच्छा आप ही बो दो। खजांची जो सबके पैसे का हिसाब किताब रखता है, खजांची कहता है कि महाराज देखिए, मैं वैसे चोरी करने तो नहीं जाता हूँ, पर जितने भी मंत्री हैं ना उन सबको वेतन तो मैं ही देता हूँ, सब में से एक एक सोने की मुहरें मैं रख लेता हूँ, किसी का ध्यान भी नहीं जाता है और सब में से थोड़ा थोड़ा रखता हूँ तो मेरा भी काम चल जाता है। अब मंत्री भी वैसे, सैनिक भी ऐसा। चोर ने कहा महाराज अब तो आप ही बाकी हैं। महाराज कहते हैं कि देखो वैसे तो मैंने चोरी नहीं की है, पर मैं थोड़ा छोटा था, मेरी माताजी ने लड्डू बना करके रखे हुए थे अलमारी में ऊपर की तरफ, और कहा था कि जब तक मैं ना आऊँ तब तक खाना नहीं, माँ जैसे ही चली गई मैं चुरा करके एक आध लड्डू खा गया था, तो मैं भी नहीं बोल सकता। तो चोर कहता है कि महाराज जब आपके राज्य में सभी चोर हैं तो मुझे अकेले को फांसी क्यों दी जा रही है। हमारे यहाँ ऐसा ही है, ये उस राजा की और उस चोर की कहानी नहीं है, हम सभी किसी न किसी प्रकार में चोरी में इन्वॉल्व हैं। और मुख से कहते हैं कि तन की जाने मन की जाने दिल की जाने चोरी। अब मान लीजिए कि हम जब राज्य के सामने होंगे, हमारे सामने हमने जीवन में जो जो चोरियां की हैं अलग अलग प्रकार से, वो रील एक बार घूमेगी तो हंसी कैसी होगी, है ना। इसीलिए चोरी न करना धर्म का लक्षण है। और अब पांचवा लक्षण है शौच अर्थात पवित्रता। कौन सी पवित्रता? कोई कहता है कि हम ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए हैं तो हम पवित्र हैं, बाई बर्थ पवित्र हैं हम। किसी को लगता है कि जीवन भर पाप करो लेकिन गंगा में जाकर के नहाओ तो पाप धुल जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं। ये दोनों ही विचारधाराएं गलत हैं, क्योंकि केवल जन्म लेने से तो कोई पवित्र नहीं होता, क्योंकि हम तो कृष्ण जी को मानने वाले हैं ना। कृष्ण जी ने कह दिया साफ साफ कि जन्मना जायते शूद्रो, जन्म लेते हुए तो सभी शूद्र होते हैं, संस्कारात द्विज उच्यते। तो केवल जन्म लेने से तो कोई श्रेष्ठ नहीं होता है, पैदा होते हुए सब अज्ञानी होते हैं। रही बात गंगा में नहा करके पवित्र होने की, आज की गंगा की हालत देख करके वैसा लगता भी नहीं है पहली बात। और दूसरी बात, भावनात्मक रूप से ये मान भी लिया जाए कि ये पवित्र करती है तो इसमें बहुत सारे सवाल होते हैं, कि यदि केवल गंगा में नहाने से पाप धुल जाते तो इसमें कई प्रश्न होते हैं। सबसे पहला प्रश्न कि पाप शरीर से होता है कि मन से होता है? मन से। शरीर तो केवल साथ देता है, जैसे एक डॉक्टर है वो भी चीरफाड़ करता है, और एक किलर है वो भी चीरफाड़ करता है। दोनों के चीरफाड़ में आप एक को पुण्य का काम कर कहते हैं और उसे भगवान का दर्जा देते हैं कि डॉक्टर तो भगवान का रूप होता है और दूसरा यमराज बन जाता है। क्यों? चीरफाड़ तो दोनों कर रहे हैं लेकिन दोनों की भावनाएं भिन्न भिन्न है। तो पाप और पुण्य हमारी सोच से होता है और गंगा का पानी हमारे शरीर को धोता है। इसीलिए केवल गंगा नहा लेने से मुक्ति संभव नहीं है, गंगा नहाने से पाप नहीं धुल जाते। एक बार नारद जी के मन में भी ऐसा ही प्रश्न हुआ कि सब लोग जाते हैं गंगा नहाने के बहाने, पाप धुल के आते हैं, तो गंगा उस पाप का क्या करती है? तो पूछने गए
कि गंगा जी आप उस पाप को कहां रखते हो, क्योंकि पाप कर्म खत्म तो होते ही नहीं है ना। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म सुभा शुभम, ऐसा कृष्ण जी ने कह दिया। आप झूठ तो नहीं बोलेंगे ना कृष्ण जी, तो पाप कर्म समाप्त तो होते ही नहीं। अब गंगा जी के पास कहीं रखने का भंडार होगा, ऐसा सोचकर जाकर पूछा तो गंगा जी कहते मैं क्यों रखूं, मैंने थोड़ी किया है। कहते मैं तो जब सागर से मिलने जाती हूं तो वहां छोड़ के आती हूं। फिर लगा कि ऐसा सागर तो बहुत बड़े हैं, उनके पास जगह होगी कहीं ना कहीं रखने की। जाकर के पूछा कि आप कहाँ रखते हो गंगा जो पाप आपको देके जाती है। तो सागर कहते मैं क्यों रखूं, जब धूप की वजह से मेरा जल भाफ बन करके बादलों के रूप में जा रहा होता है, मैं पाप भी साथ साथ में भेज देता हूँ। अब नारद जी को लगा कि बादल कहाँ रखते होंगे, बादल को जाके पूछा तो कहते मैं क्यों रखूं, जिस जिसका होता है उस उसके ऊपर बरसा के आ जाता हूँ। तो घूम फिर करके कहाँ आया। चाणक्य कहते हैं यथा धेनु सहस्त्रेषु वत्सो गच्छति मातरम तथा यच्च कृतम कर्म कर्तारम अनुगच्छति। जैसे गायों गाय का एक बछड़ा हजार गायों के बीच में ले जाके रख दीजिए, वो अपनी माँ को पहचान करके अपनी माँ के पास ही जाता है, इसी प्रकार कर्ता के द्वारा किया गया कर्म भी। आजकल तो एक सेंटेंस कहा जाता है ना, कर्मा हिट्स बैक, है ना, तो कर्म का फल वापस आता ही आता है आप जैसा भी करेंगे। तो रही बात शौच पवित्रता की, कैसे की जाए, तो ऋषि मुनि बताते हैं अद्भिः गात्राणि शुद्ध्यन्ति मनः सत्येन शुद्ध्यति विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धि ज्ञानेन शुद्ध्यति। पानी से शरीर शुद्ध होता है, सेम फॉर्मूला है ना, H2O ही तो है पानी का फॉर्मूला। आपके घर के बाथरूम में भी सेम फॉर्मूले का पानी आता है, गंगा जी में भी सेम फॉर्मूले का पानी आता है। हो सकता है कि विभिन्न शहरों का नाला वगैरह मिलने से फॉर्मूला थोड़ा चेंज हो गया हो, केमिकल डिफरेंट हो गए हो, पर पानी का फॉर्मूला सेम ही है। हाँ, जब आप गंगोत्री में जाते हैं, हरिद्वार का मैल मिलने से पहले तक की गंगा में जाते हैं, तो वहाँ के पानी में औषधीय गुण है, नदियों के पानी में, उसको पीने से आपका लाभ हो सकता है, लेकिन केवल नहाने से पाप नहीं धुल सकते। इसलिए बताया गया कि पानी से शरीर की शुद्धि होती है, सत्य का पालन करने से मन की शुद्धि होती है, विद्या और तप से आत्मा की शुद्धि, आत्मा यहाँ जीव के लिए, अंतस्करण की शुद्धि होती है, और बुद्धि की शुद्धि होती है ज्ञान से। तो केवल नहाना पर्याप्त नहीं है, पर हाँ शौच जो है वो सबके लिए आवश्यक है, पवित्रता सबके लिए आवश्यक है। धर्म का अगला लक्षण है इंद्रिय निग्रह। इंद्रिय निग्रह का मतलब यह है, तो पहले हमें यह बताया गया है कि विषयों में जाने से रोकना है, पर केवल रोकना तो पर्याप्त नहीं है ना। जैसे हम डैम बनाते हैं ना बिजली निकालने के लिए, तो केवल पानी रोकते नहीं है, उसके लिए क्या करते हैं, पहले दूसरा रास्ता बनाते हैं, तैयार करते हैं ना, वो नहर बनाते हैं, उसके बाद बांध से पानी को रोका जाता है। अब इसमें दो फायदे हैं, बिजली भी निकल रही है और सिंचाई भी हो रही है, खेती का काम भी हो रहा है। आप केवल डैम बनाते रास्ता नहीं देंगे तो क्या होगा, कुछ समय के बाद में विकास के जगह पर विनाश होगा। इसी तरह से आप केवल इंद्रियों को जबरदस्ती रोके रखेंगे तो क्या होगा, जैसे ज्वालामुखी होती है ना, वोल्केनो कहते हैं ना, पृथ्वी के दबाव के कारण अंदर जो गर्मी है, लावा है, कहीं जब अचानक से फूटता है तो क्या होता है। जैसे डायबिटिक पेशेंट है, उसको अगर ये ना बताया जाए कि आपको मिठाई क्यों नहीं खानी है, और सिर्फ ये बताया जाए कि आपको मिठाई नहीं खानी है, जबरदस्ती उसको मिठाई से दूर रखा जाए, किसी दिन आपकी नज़र बचा करके अगर वो खाएगा, वैसे वो एक मिठाई खाता उस दिन 10 खाएगा कि बाद में फिर ये लोग खाने नहीं देंगे। लेकिन उसको यदि समझाया जाए कि इसको खाने से आपका ये नुकसान होता है, अब वो बुद्धिपूर्वक कर रहा है, अपनी एनर्जी को वो उसके जगह पे दूसरी साइड में लगाएगा, दूसरी डायरेक्शन में लगाएगा। इसी तरह से केवल इंद्रियों को रोकना सही नहीं है, इंद्रियां तो एक एनर्जी है,
जबरदस्ती रोकेंगे तो एनर्जी को तो कहीं ना कहीं यूटिलाइज करना चाहिए, तो उसी एनर्जी को हम सही डायरेक्शन दे सकते हैं। जैसे जीवा का विषय है स्वाद लेना, लेकिन इसका एक और काम भी तो है, बोलना। अभी हम बात कर रहे हैं धर्म की, अध्यात्म की, परमात्मा की। ये मेरे विचार से जीवा का बेस्ट यूटिलाइजेशन है। कान का विषय है सुनना, दुनियावी निंदा सुनने में तो मजा आता है। अभी तो हम घड़ी देखते हैं ना कि कब 5 बजेगा। यदि मैं यहां पर कोई ऐसी बात शुरू कर दूं निंदा वाली, तो आप चाय कॉफी सब भूल जाएंगे, कि उससे ज्यादा नशा इसमें मिलेगा आपको। लेकिन इसको क्या सुनना है, उस दिशा में लगाना, सही डायरेक्शन में लगाना, ये इंद्रिय निग्रह है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी ये इसलिए जरूरी है कि इंद्रिय निग्रह के बिना आप धारणा, ध्यान और समाधि तक नहीं पहुंच सकते। जो विद्यार्थी हैं या जो परमात्मा की सत्ता में विश्वास नहीं भी रखते, उनको भी इस बात का तो पता रहता है कि हमारी एनर्जी को, हमारी ऊर्जा को सही डायरेक्शन देना कितना ज़रूरी होता है, सही गाइडेंस देना कितना ज़रूरी होता है, ये सबको पता है। इसी तरह से धर्म का अगला लक्षण है बुद्धि। कौन सी वाली? शुद्ध बुद्धि। जैसा कि अभी सुंदर साथ ने शुरू में कहा था ना, कि केवल बुद्धि की बात होती तो जिन जिन का मैंने उदाहरण दिया, रावण, दुर्योधन आदि का, वे सभी धार्मिक होते। पर शुद्ध बुद्धि होना, और शुद्ध बुद्धि का तात्पर्य क्या है कि सही क्या है, गलत क्या है, पाप क्या है, धर्म क्या है, भक्ष्य क्या है, अभक्ष्य क्या है, त्यक्त क्या है, मतलब क्या छोड़ना चाहिए और किसे पकड़ना चाहिए, सत्य असत्य क्या है। तो इन सभी बातों का विचार कर पाने वाली जो बुद्धि है, ये शुद्ध बुद्धि है, जिसमें हम ब्रह्म का चिंतन कर सकते हैं, जिसमें हम ब्रह्म ज्ञान का चिंतन कर सकते हैं। तो इसीलिए शुद्ध बुद्धि की आवश्यकता है। और धर्म का 8वां लक्षण है विद्या। कौन सी विद्या? ब्रह्म विद्या कह तो रहे हैं, पर धर्म के लक्षण में दोनों विद्याएं आती है। दोनों विद्या इसीलिए आवश्यक है क्योंकि जिस माइक के द्वारा आप धर्म की चर्चा सुन रहे हैं, वो भौतिक विद्या का परिणाम है। अभी कैमरे से रिकॉर्डिंग हो रही है, लाइव जा रहा है, लोग घरों में बैठ करके देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, ये टेंट से लेकर के साहित्य किताब से लेकर के जो कुछ भी है, ये सभी भौतिक विद्या है। यदि भौतिक विद्या की आवश्यकता न होती या भौतिक विद्या का महत्व नहीं होता, तो आज हम यहाँ इस तरह से बैठ ही नहीं पाते। फिर हम पशुवत उसी तरह से निर्वस्त्र घूम रहे होते जंगलों में, है ना। तो भौतिक विद्या भी आवश्यक है। भौतिक विद्या इसलिए आवश्यक है क्योंकि ये शरीर एक गाड़ी है। इसको गाड़ी मान लिया जाए कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, तो इस गाड़ी को मेंटेन कैसे करना है, इसमें फ्यूल कैसे डालना है और इसकी सुरक्षा कैसे रखनी है, गैरेज वगैरह, अर्थात भोजन, वस्त्र, मकान, औषधि, ये जो जितनी भी प्रकार की विद्या है, ये भौतिक विद्या में आती है। इस शरीर रूपी गाड़ी को मेंटेन रखने वाली विद्या, और इस गाड़ी से चल करके हमें कहाँ पहुँचना है और वहाँ किस तरह से पहुँचना है, क्यों पहुँचना है, इसे बताने वाली विद्या आध्यात्मिक विद्या है। तो दोनों प्रकार की विद्या की आवश्यकता है, जिसमें से जब हम आध्यात्मिक मार्ग पर होते हैं तो हमें पता चलता है कि भौतिक विद्या की इतनी आवश्यकता है। इतनी भौतिक विद्या हो तो हमारा काम चल जाता है, लेकिन आध्यात्मिक विद्या की कोई सीमा नहीं है। हाँ, आध्यात्मिक विद्या का तात्पर्य ऐसा नहीं कि हमने चारों वेदों को रट लिया, 6 दर्शन को रट लिया तो हम आध्यात्मिक हो गए। यहां बात समझने की है, स्व स्वरूप को अथवा निज स्वरूप को समझना, अपने आप को समझना, उस परमात्मा को समझना, इस सृष्टि को समझना और फिर उसको पाना, ये महत्वपूर्ण है।
तो ये आध्यात्मिक विद्या अथवा ब्रह्म विद्या का कार्य है। इसको हम पराविद्या अपराविद्या भी कह सकते हैं। तो विद्या धर्म का आठवां लक्षण है। नौवां लक्षण है सत्य। सत्य का मतलब तो पता ही है ना, सच बोलना है ना, मुख से भी सच हो, कथनी करनी और रहनी जिसको हम कहते हैं ना, मन वचन और कर्म तीनों से हम सत्य बोलें। झूठ से नफरत सबको है ना, झूठ से नफरत सबको है, लेकिन कोई दूसरा बोल रहा हो तब सही है कि नहीं। परमात्मा को हम सत्य का स्वरूप कहते हैं ना, सभी कहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब कहते हैं। और महामती जी क्या कहते हैं, साचारी साहेब साच सो पाइए, साच को साच है प्यारा। जब यदि परमात्मा सत्य है, यदि मैं इसलिए लगा रहा हूं सबको समझने के लिए, परमात्मा सत्य है और उसे पाने के लिए हमें सत्य का ही सहारा लेना पड़ता है। कोई व्यक्ति परमात्मा को नहीं भी मानेगा तो भी यदि उसे पता चलेगा कि किसी ने उसके साथ झूठ बोला है तो बोलेगा आई हेट लायर्स, है ना। तो सबके लिए सत्य सबको प्रिय होता है, हाँ, क्योंकि दुनिया झूठों से भरी पड़ी है। ऐसे झूठे संसार में यदि किसी के जीवन रक्षा के लिए, यदि आपकी एक झूठ से किसी के जीवन की रक्षा होती हो तो वहां आप झूठ बोल सकते हैं, केवल ऐसे अवसर पर, लाइफ सेविंग लाइज हो सकता है ना। कई बार जैसे कसाई से छूट करके गाय आई हो, कहीं छिपी हो, आपको पता है, और कसाई आकर के पूछे कि वो गाय किधर गई, आप कहेंगे मैं तो सत्यवादी हरिश्चंद्र, वो रे पीछे, क्या होगा, तो उसकी जान गई ना, गाय के जगह पर कोई इंसान भी हो सकता है। तो यहां पर आप एक वाक्य याद रखेंगे, जब आप धर्म संकट की स्थिति में फंस जाए, वैसे तो वो धर्म ही क्या जो संकट में डाले, है ना, लेकिन इसको हम धर्म संकट नाम से हमने शब्द दिया है। तो कभी ऐसी परिस्थिति में फंस जाए तो आप एक वाक्य याद रखना कि धर्म के 10 लक्षण है, ये 9वां है। 10वां लक्षण अक्रोध है, क्रोध ना करना। धर्म के 10 लक्षण एक तरफ रख दें और 11वां लक्षण जो इन 10 लक्षणों से के अतिरिक्त है वो है दया। तो जहां दया की आवश्यकता पड़ती है ना, तो वहां समझ लीजिए कि दया सबसे बड़ा धर्म है, तो वहां सत्य से बड़ी दया हो जाती है। तो यहां जिन प्राणियों के जीवन की रक्षा हो रही है उनके प्रति दया दिखाइए, बाकी धर्म का पालन अपने आप हो जाएगा। हाँ, हमें अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए झूठ नहीं बोलना चाहिए। अब गुजरात में तो विशेष रूप से व्यापारी वर्ग है, बिजनेस है ना, अब सभी बिजनेसमैन की एक शिकायत रहती है, चाहे बिजनेसमैन हो चाहे बिजनेस वीमेन हो, सबकी ये शिकायत रहती है कि सच बोलने से तो व्यापार चलता ही नहीं है, है ना। दुकानदारी है यदि तो कहेंगे कि सच बोलने से तो व्यापार में नुकसान होता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि सब झूठे हैं इस वजह से आपको ऐसा लगता है। लेकिन आप शुरुआत करके देखें एक बार, फॉर एग्जाम्पल क्या करते हैं दुकानदार, पर्सनल मत लेना, मैं सबके लिए कह रहा हूं। दुकानदार कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये पानी की बोतल, कहेंगे कि ये पानी की बोतल MRP 7 रुपये लिखी है, ठीक है, तो ये पड़ेगी मेरे ख्याल से 2 या 3 रुपये की, ठीक है, कुछ भी मान लीजिए एक फिक्स अमाउंट। तो कहेंगे कि देखिए ये वैसे तो 7 रुपये की है, पर मैं आपको 5 रुपये में देता हूँ, किसी के लिए नहीं, सिर्फ आपके लिए, ठीक है, ऐसा बोल करके वो बेच देते हैं, जबकि पड़ रहा है 2 रुपये, ठीक है, क्योंकि दुकानदार को भी लगता है, इसमें केवल दुकानदार की गलती नहीं है, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, सब लोग खरीददार भी है दुकानदार भी है ना। तो उसको ऐसा लगता है कि यदि मैं सीधे बोल दूंगा कि नहीं इसकी जो कॉस्ट है वो 2 रुपये की है, और मेरा जो मेरी जो मेहनत है, मेरा जो खर्चा है, ट्रांसपोर्टेशन है, वो सब मिला करके 4 रुपये आप दे दें, तो आपका टाइम भी बचेगा, मेरा टाइम भी बचेगा, आपको भी 1 रुपये का फायदा हो जाएगा, मुझे भी 2 रुपये का फायदा हो जाएगा। लेकिन यदि दुकानदार ऐसा करता है शुरू में,
तो खरीदने वाला तो बार बार चोट खाए बैठा है ना, उसको लगेगा कि ये 2 रुपए की होगी और मुझसे 4 रुपए मांग रहा है, जबकि 5 रुपए वो वैसे देता। ठीक है, इसलिए दुकानदार ये हथकंडे अपनाते हैं। लेकिन सभी दुकानदार इस तरह से करने लग जाएं, सत्यवादी बन जाएं। मान लीजिए एक व्यक्ति शुरू करता है और मेरे इस तरीके को अपनाता है कि देखिए 100 रुपये की कॉस्टिंग है, 20 रुपये मेरा मेहनत आना, 120 रुपये है, बाकी पूरी दुनिया में वो 150 रुपये से कम में नहीं मिल रहा होगा। तो एक दिन आपको हो सकता है थोड़ी दिक्कत हो, 2 दिन दिक्कत हो, लेकिन ऐसा प्रचार प्रसार हो जाएगा कि सबको लगेगा कि सबसे रीजनेबल प्राइस में तो यही बेचता है। और हम कहते हैं कि नहीं, वैसे तो 200 रुपये की है, मैं आपको 150 रुपये में दे रहा हूँ। ठीक है, तो केवल तरीका हमें सही से नहीं पता है, पेशेंस रख के, जो धर्म का पहला लक्षण है, पेशेंस रखते हुए हम सत्य पे टिके रहें और इस तरह का व्यवहार करें, तो मुझे ऐसा लगता है कि व्यापार करते हुए भी झूठ बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप चिंतन करके देखिए, विचार करके देखिए, और अच्छा लगे तो अपना के देखिए। तो सत्य जो है वो 9वां लक्षण हो गया। 10वां लक्षण है अक्रोध। अक्रोध अर्थात क्रोध न करना। ये जो परेशानी है ना, ये सबकी है। कितना है, 2 मिनट है, ठीक है 2 मिनट ले रहा हूं मैं। तो ये परेशानी सबकी है। कहते हैं गुस्सा कंट्रोल नहीं होता, बोलते हैं ना गुस्सा बहुत आता है कंट्रोल नहीं होता, ऐसा बोलते हैं। लेकिन ये आधा सच है, मैं गारंटी देता हूं ये आधा सच। कैसे है, मान लीजिए एक, मैं आपको एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन में रखता हूं। आप, 2 सिचुएशन में दे रहा हूं, आपके पास एक एंटीक पीस है, गमला है एक, ठीक है, आपको किसी ने गिफ्ट दिया है या आपने कहीं से खरीद के लाया है, जो लगभग लगभग समझ लीजिए कि 20-25 हज़ार रुपये का है, आपने अपने ऑफिस के टेबल पर रखा हुआ है। आप उस कंपनी में एक अच्छे से पोस्ट पर हैं, आपका एक कर्मचारी आता है, आपके अंडर में काम करने वाला छोटा कर्मचारी आता है, आपसे बात करते करते वो पीछे सरकता है, कोने लगती है, वो वेस गिर करके टूट जाते एंटीक पीस, आपको गुस्सा आएगा? आप गुस्सा करेंगे? करेंगे क्यों? क्योंकि वो आपसे छोटा है, आप उसको डांटेंगे। और यदि आपके पावर में है तो आप उससे वो 20-25 हज़ार रुपये वसूल भी करेंगे, और हो सकता है कि आप उसको फायर भी कर दें। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि आपको वो किसने दिया था, आपकी अटैचमेंट किस कितनी थी उस पर। अब सेम सिचुएशन है, टेबल पे वही वैसे वैसे की वैसे रखी हुई है वही एंटीक पीस, आपका बॉस आता है वहां पे, उससे गिर जाती है, आप क्या कहेंगे? तब आप क्या करेंगे? तब आपको गुस्से पे कंट्रोल होगा? इसका मतलब गुस्से पे कंट्रोल सिचुएशनल है ना, आप चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन जहां आपका अधिकार है वहां आप बहा देते हैं, निकाल देते हैं बाहर, वरना आप घूंट पी करके रह जाते हैं। ठीक है, तो देखिए एक उदाहरण, आजकल बहुत पॉपुलर है ये उदाहरण, आप लोगों ने कहीं पे देखा होगा, एक ऑरेंज है, संतरा है, ठीक है, संतरे को आप निचोड़ेंगे ऐसे जोर लगा करके तो जूस निकलेगा, लीची का, हाँ जी किसका निकलेगा? संतरे का ही निकलेगा, आम का भी नहीं निकलेगा, है ना। तो बाहर की विभिन्न परिस्थितियां, आप संतरा हैं, बाहर की विभिन्न परिस्थितियां आपको अलग अलग तरीके से निचोड़ सकती है। उस समय आपके मुख से गाली निकल रहा है तो इसका मतलब है कि आपके अंदर वही रस है, क्योंकि संतरे से संतरा ही निकलता है, अभी आपने कहा है। और आप क्षमा करते हैं तो इसका मतलब यह है कि सच में संतरा निकल रहा है ना। संतरे के जगह पर यदि नीम पत्ते का रस निकल रहा है तो इसका मतलब यह कि अंदर नीम पत्ती है, बाहर छिलका कुछ अलग है, रॉन्ग नंबर है वो। ठीक है, तो अक्रोध जो है ये धर्म का 10वां लक्षण है। अब इसका मतलब एक और क्वेश्चन होगा बहुत सारे पेरेंट्स के मन में कि बच्चों को डांटना छोड़ दें। कुछ लोग टीचर होंगे, वो कहेंगे कि विद्यार्थियों को डांटना छोड़ दें। नहीं, किसी दूसरे के हित को ध्यान में रखते हुए
यदि हम उनके अच्छाई के लिए डांटते हैं, लेकिन ऐसा वाला नहीं कि आप उसको रोज डांटते रहे उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े, ऐसा नहीं। कहीं आवश्यकता पड़ने पर डांटते हैं तो उसको क्रोध नहीं कहा जाता है। उसके लिए उपनिषद में एक शब्द है मन्यु, क्रोध नहीं है वो। क्रोध का तात्पर्य तो ये हुआ कि कुछ भी हुआ, हम कुछ भी चीज पटक रहे हैं, तोड़ फोड़ कर रहे हैं, कभी टीवी पे कुछ फेंक करके मार रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, किसी का नुकसान कर रहे हैं ना, इस प्रकार का क्रोध। नियंत्रित क्रोध जो दूसरों के भले के लिए किया जाए, या विद्यार्थी या फिर अपने बच्चे नियंत्रण में नहीं आते, बहुत ज़्यादा उठपटांग हरकत करते हैं, बात नहीं सुनते, उनको डांटना सही है कुछ हद तक, लेकिन बात बात पे डांटना नहीं, क्योंकि इससे उनका तो नुकसान होगा ही, साथ में आपका भी नुकसान होगा। आप बाहर से केवल छिलका ही संतरे का रह जाएगा और अंदर रस कुछ और होता जाएगा, ठीक है। तो ये धर्म के 10 लक्षण थे। अभी की चर्चा में हमने ये जाना कि धर्म के लक्षण कौन कौन से हैं। बस इतना समझ लीजिए कि जिनमें ये 10 लक्षण है वो धार्मिक है, जिनमें नहीं है वो धार्मिक नहीं है। चाहे वो किसी भी मत मतांतर संप्रदाय से जुड़ा हुआ है, किसी भी मत की दीक्षा ले रखी है, किसी भी गुरु से जुड़ा हुआ है, ये लक्षण सब में होने चाहिए। यहाँ आप अलग अलग संप्रदाय से जुड़े हुए लोग होंगे, आप इन 10 लक्षणों को लिख करके लेकर के जाइए, अपने अपने गुरुओं से, अपने अपने आगे वाले लोगों से पूछिए और बताइए कि इनमें क्या क्या गलती है। गुरु जी ये हमने सुना था सापड़ के एक कार्यक्रम में, इसमें क्या क्या गलती है। कोई ये नहीं कह पाएगा कि इसमें कोई भी गलती है, सबके लिए, संपूर्ण मानव मात्र के लिए बस चिंतन करने की ज़रूरत है और हम सब में वो गुण विकसित करने की ज़रूरत है। यदि सभी में ये गुण विकसित होते हैं तो हम मानव बन पाएंगे, पहले तो अच्छे मानव बन पाएंगे। और मानव धर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। मानव धर्म के नाम से कोई संप्रदाय भी चल पड़ा है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इन लक्षणों की बात कर रहा हूँ। ये लक्षण हम में हो तभी हम धार्मिक कहलाने के लायक हैं। अध्यात्म इससे आगे है, अध्यात्म इससे ऊपर है, लेकिन ये धर्म के लक्षण सबके लिए अनिवार्य है। अब समय मेरा पूरा होता है, इतना ही कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सबको प्रणाम जी।